मुरादाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर शिवसेना द्वारा जोरदार प्रदर्शन कर एक ज्ञापन भारत सरकार मुरादाबाद जिला अधिकारी द्वारा भेजा गया। शिवसेना के जिला प्रमुख रामेश्वर दयाल चौराहा के नेतृत्व में आज सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में शिव सैनिक एकत्रित हुए और उन्होंने परिवहन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। रामेश्वर दयाल ने बताया कि बेरोजगारी और महंगाई की मार से पहले से ही प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। ऊपर से परिवहन विभाग का काला कानून व बिजली की दरें बढ़ाकर सरकार ने जनता को पूरी तरह निचोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में शहरी बिजली की दरें 12%, ग्रामीण बिजली की दरों में 25%, चार्ज में 10% की बढ़ोतरी की गई है। भाई साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। तुरहा जी, किस चीज़ का प्रदर्शन किया जा रहा है आज? शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर परिवहन विभाग का नया काला कानून वापस लेने की मांग करते हैं। विद्युत की बड़ी दरें वापस लेने की मांग करते हैं। ज्ञात होगी जनता पहले से ही बेरोजगारी महंगाई से त्राही त्राही कर रही थी और सरकार ने बिजली की बड़ी दरें बढ़ाकर और परिवहन विभाग का काला कानून लागू कर जनता को तिल तिल मरने को मजबूर कर दिया है। शिव सैनिक आज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन में परिवहन विभाग का काला कानून वापस लेने की मांग करते हैं। विद्युत की बड़ी दरें तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। अगर शीघ्र ही परिवहन विभाग का काला कानून वापस नहीं लिया गया, बिजली की बड़ी दरें वापस नहीं ली गई, तो शिव सैनिक अनिश्चितकालीन के लिए सड़कों पर उतरेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे।